हेलो, मातृत्व का अनुभव लेने वाले सभी गर्भवती माताओं को मेरा नमस्कार। अब हमें हमारे मन को शांत करना है और आप अपनी अनुकूलता के अनुसार कोई शांत जगह पर बैठ जाइए और सोते हुए भी आप गर्भ संवाद का आनंद उठा सकती है। कोमलता से धीरे धीरे अपनी दोनों आंखें बंद करें। मन एकदम शांत ओ का सारा ध्यान आपके शिशु पर होना चाहिए। जैसा भी शिशु आप चाहती है वैसे शिशु की कल्पना करें। हे दिव्य आत्मा, इस दुनिया में तेरा स्वागत है। मेरे प्यारे शिशु, हम 9 महीने की यात्रा धैर्य पूर्वक पूर्ण करेंगे। बेटा, तुम मेरे गर्भ में एकदम सुरक्षित हो। मैं और हमारे परिवार के सभी सदस्य तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बेटा, तुम अब 6 इंच लंबे हो गए हो। अब मैं तुम्हारा अनुभव कर सकती हूँ। मैं आपके दिल की धड़कन भी सुन सकती हूँ। अब तुम एक मानव की तरह दिखने लगे हो। इस महीने के दौरान आपका हृदय विकसित होने लगा है। इस महीने के दौरान तुम सहानुभूति और उदारता जैसे गुणों का अनुभव कर सकते हो। बेटा, मैं आप में नेतृत्व की गुणवत्ता को विकसित करना चाहती हूँ। मैं नियमित रूप से स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें पढ़ती हूँ ताकि तुम स्वामी विवेकानंद की तरह बनो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें तुम्हारे जीवन में कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक भी नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। बेटा, आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। और तुम्हें पता है, विश्व एक व्यायामशाला है। वहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आए हैं। बेटा, वो कहते थे कि जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। और जीवन में कोई भी परेशानी आए उसका हमेशा चिंतन करो, चिंता नहीं और नए विचारों को जन्म दो। बेटा, आप यह सब सुन रहे हैं, मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको खुश देखकर बहुत प्रसन्न होती हूँ। बस इसी तरह हमेशा खुश रहना और आपकी मुस्कान हमेशा आपके चेहरे पर बनी रहे। बेटा, मैं आपकी कल्पना कर सकती हूँ। आप बहुत खुश हैं और
आपके सभी अंगों का स्पष्ट उद्भव भी हो रहा है। बेटा, तुझे पता है, आप इस महीने के दौरान सुन सकते हो। मैं आपके साथ हर रोज रात को सोते समय गर्भ संवाद अवश्य करती हूँ, और जब मैं आपसे बातचीत करती हूँ ना, तब मुझे आप प्रतिक्रिया भी देते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस महीने के दौरान तुम्हारे बाल, आंखें, नाक और मुंह विकसित होना शुरू हो गए हैं। बेटा, अब तुम मुझे कब लात मारोगे? मैं वह क्षण की आतुरता पूर्वक राह देख रही हूँ कि कब तुम मुझे फर्स्ट किक दो। बेटा, आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दुनिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप अपने माता पिता और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बेटा, आपका यह उज्जवल चेहरा हमेशा के लिए बना रहे। बेटा, आप सुंदर, तेजस्वी, प्रतिभाशाली और बुद्धिमान हो। आपकी कल्पना शक्ति अद्भुत है। आप लीडरशिप, ड्राइंग, फोटोग्राफी, राइटिंग जैसे कई विषयों में रुचि रखते हैं, और मुझे पता है कि आप पढ़ने के बहुत शौकीन हैं। आप अपने आत्मविश्वास के माध्यम से एक सुंदर और आसान जीवन जी सके, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। बेटा, इस महीने के दौरान तुम्हारा विकास अच्छी तरह से हो, इसलिए मैं अलग अलग बुक्स पढ़ती हूँ। इस महीने के दौरान मैं संतान गोपाल स्तोत्र, दैनिक रक्षण मंत्र का पाठ भी करती हूँ, और हर रोज उठने के बाद राम रक्षा भी सुनती हूँ, जिसकी वजह से मैं प्रसन्न रहूँ और मेरी वजह से तुम प्रसन्न रहो और तुम्हारा विकास अच्छी तरह से हो सके। अब अपनी आंखें कोमलता से खोले और ये अनुभव थोड़ी देर तक करते रहे, अपने शिशु के स्वप्न में खो जाइए। और इस महीने के दौरान आपको क्या अनुभव हो रहा है, वो हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप गर्भावस्था के अलग अलग वीडियो देखना चाहते हैं और गर्भ संस्कार के बारे में सारी माहिती जानना चाहते हैं, तो हमारी ये वैदिक गर्भ संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।